बन फ्लैग टूल्स, हिंदी में कहते हैं परतदार औजार। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ द फ्लैग टूल। अ फ्लैग टूल डिस्कवर्ड इन द वेस्टर्न डेजर्ट इजिप्ट। तो इजिप्ट के, यानी कि इजिप्ट कंट्री जो मिस्र है उसके वेस्टर्न डेजर्ट में डेवलप हुआ किया हुआ ये फ्लैग टूल। फ्लैग टूल्स वर मेड फ्रॉम द शार्प पीसेस। फ्लैग टूल्स, शार्प पीसेस और फ्लैक्स, तो बहुत ही तेज धार वाले टुकड़े या फ्लैक्स से बनता है फ्लैग टूल्स। दैट ब्रोक ऑफ व्हेन शेपिंग कोर टूल्स। जब कोर टूल को एक नई शेप देते हैं तब उसको तोड़ा जाता था। दीज टूल्स वर यूज फॉर चॉपिंग मीट एंड स्किन, स्किनिंग एनिमल्स। एनिमल्स की स्किन उतारने में या मीट को काटने में इन टूल्स का यूज किया जाता था। टू मेक फ्लैग टूल्स मोस्ट ऑफन, फ्लैग टूल बनाने के लिए अक्सर क्या होता था, फ्लिंट वा यूज। फ्लिंट मीन्स क्या होता है, अ शाइनिंग स्टोन, एक चमकदार पत्थर। वा यूज बिकॉज इट कुड बी फ्लैग्ड ऑफ ईजली। तो एक चमकदार पत्थर को यूज में लिया जाता था क्योंकि ये बहुत आसानी से फ्लैक्ड हो जाता था। इसकी परतें अलग अलग निकल करके बन जाती थी। एंड इट हैड शार्प कटिंग एजेस, और इसमें बहुत ही तेज धार वाले काटने योग्य किनारे हुआ करते थे। एजेस मीन्स किनारा। ना ब्लेड टूल्स, थर्ड वन क्या है, ब्लेड टूल्स। दीज टूल्स हैड वेरी शार्प एजेस। इन टूल्स की बहुत ही तेज धार वाले किनारे होते थे। ग्रेजुअली नाइव्स, धीरे धीरे क्या हुआ, नाइव्स, चाकू, स्पीयर्स, भाला एंड एरो हेड्स, तीर, इवॉल्व्ड फ्रॉम ब्लेड टूल्स। तो ब्लेड टूल्स से ये सारी चीज़ें निकल करके बनने लगी। अब यहाँ एक पिक्चर आप देखेंगे, ब्लेड टूल्स मेड फ्रॉम फ्लिंट, चमकदार पत्थरों से बनाए गए ये ब्लेड टूल्स हैं, यानी कि पतले पत्थर बनाए जाते हैं। ऑन डिस्प्ले द म्यूजियम ऑफ टॉलोजी फ्रांस। टॉलोज म्यूजियम फ्रांस में ये टूल्स रखे हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन क्या है, स्टोन टूल टेक्नोलॉजी। द अर्ली ह्यूमंस यूज टू टेक्निक्स। तो अर्ली ह्यूमंस दो तरह की टेक्निक यूज करते थे टूल्स बनाने के लिए। देवर स्टोन, स्टोन ऑन स्टोन टेक्निक एंड प्रेसिंग फ्लैकिंग। तो फर्स्ट वन क्या है, स्टोन ऑन स्टोन टेक्निक, पत्थर से पत्थर बनाने की टेक्निक। अनदर प्रेशर फ्लैकिंग, फ्लैकिंग को प्रेशर करना, दबाव करके औजार बनाना। फर्स्ट वन देखें, स्टोन ऑन स्टोन टेक्निक में क्या होता है, इन दिस टेक्निक द अर्ली ह्यूमंस हेल्ड टू स्टोन्स इन देयर हैंड्स। तो इस टेक्निक में क्या है कि अर्ली ह्यूमंस अपने हाथ में दो स्टोन्स लिया करते थे। वन स्टोन वाज यूज्ड एज ए हैमर, एक स्टोन का यूज एक हथौड़े के रूप में करते थे। हैमर मीन्स हथौड़ा। टू स्ट्राइक ऑफ फ्लैग, फ्लैग पर मारने के लिए। फ्रॉम द अदर टू क्रिएट शार्पेंड एज और ऑब्टेन डिजायर्ड शेप, एक तेज धार वाला किनारा या अपने डिजायर की आकृति बनाने के लिए दूसरे पत्थर को हथौड़े के रूप में यूज किया जाता था। आ टूल कॉल्ड, तो इस टूल को चॉपर कहा जाता था। बाय द अर्लीस्ट प्रोडक्ट ऑफ दिस टेक्निक, तो ये इस टेक्निक का सबसे पहला प्रोडक्ट था। द चॉपर कुड बी यूज फॉर कटिंग, तो चॉपर जो पत्थर तैयार किया गया काटने वाला, उसके लिए कटिंग के लिए। साइंग, सा मीन्स आरी होती, आरी से भी काटने काम होता है। इस तरह कटिंग और साइंग सेम मीनिंग है, तो कटिंग और साइंग के लिए भी यूज किया जाता था। इट्स ब्लंट एंड कुड बी यूज, अब इसका जो ब्लंट एंड होता है, ब्लंट मीन्स होता है जिसमें धार ना हो, मोथरा होता है जो, कुड बी यूज फॉर स्मैशिंग और क्रशिंग। इसके ब्लंट छोर को स्मैशिंग मीन्स फोड़ना, क्रशिंग कुचलना, इसके लिए किया जाता था। ना प्रेशर फ्लैकिंग क्या होता है, इन दिस टेक्निक स्टोन वाज प्लेस्ड ऑन ए फर्म सरफेस। तो प्रेशर फ्लैकिंग में स्टोन को एक फर्म सरफेस पर, यानी एक समतल मजबूत सतह पर रखा जाता था या एक बड़े पत्थर पर। देन टू मेक अ टूल ऑफ द डिजायर्ड से, और अपने डिजायर की आकृति का औजार बनाया जाता था। फ्लैक्स वर रिमूव्ड फ्रॉम दिस स्टोन यूजिंग अनदर स्टोन एज ए हैमर। फ्लैक्स वर रिमूव्ड फ्रॉम दिस स्टोन यूजिंग, तो इस स्टोन का यूज करके फ्लैक्स को हटाया जाता था। अनदर स्टोन एज ए हैमर, एक हैमर के रूप में दूसरे स्टोन से इसको हटाया जाता था।